नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डिस्कस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5.2 इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके बाद बच्चे हम वन बाय वन एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए बच्चे, बात करते हैं बच्चे, देखो 5.2 में हमें इंट्रोडक्शन में बच्चे क्या पढ़ना है, एनाटॉम ऑफ एन एपी, यानी कि एनाटॉम फाइंड आउट करना सीखना है। देखिए बच्चे, एनाटॉम क्या, मतलब क्या है, पहले तो बच्चे आप समझिए। जब बच्चे हमने 5.1 के क्वेश्चंस किए थे वहां पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चे, देखो फर्स्ट टर्म को बच्चे हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को बी से डिनोट करते हैं, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने देखा था कि सेकंड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते थे, करते थे करते थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चे अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, यस और नो, है ना। ये तो होता ना बच्चे, आपके जो हम बात करते हैं एपी की बात करते हैं तो एपी में क्या होता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, डी का डिफरेंस होता है, यानी कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस होता है, ठीक है, फिक्स वैल्यू का डिफरेंस होता है। अगर मैं फोर्थ टर्म यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चे, थर्ड टर्म में डी को ऐड किया, कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, यस और नो। अब देखो बच्चे, अब ये तो बच्चे बात आपकी यहाँ से ये होगी क्या बच्चे, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ए टू जो है, ए टू क्या बच्चे आपका ए प्लस डी है, है कि नहीं, A2 ये तो है। अब A2 के पहले वैल्यू हमने डाल दी A plus D और प्लस में D, तो यू विल गेट A plus 2D। तो थर्ड टर्म को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको क्वेश्चंस करे थे हमने 5.1 के वहां पर ही बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे मुझे लिखनी है क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं, हमने निकाला बच्चे थर्ड टर्म क्या थी आपकी A plus 2D थी, उसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस G को ऐड करो तो यू विल गेट A plus 3D, यस और नो, ठीक है। अब बच्चे एक चीज नोटिस करो, यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है, देखो कंक्लूजन क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ठीक है, सेकंड टर्म आपकी ए प्लस डी है, थर्ड टर्म आपकी ए प्लस टू डी है और फोर्थ टर्म आपकी ए प्लस थ्री डी है, थ्री डी है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर बच्चे अगर मैं कोई सी भी टर्म को फाइंड आउट करता हूं तो मुझे क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऐड करना है, ठीक है, वन लेस देन तो बच्चे आपको जो जनरल फॉर्म लगानी है वो ये लगानी है, ठीक है। ये क्या जनरल फॉर्म है, किसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म टू फाइंड एन टर्म, एनथ टर्म, ठीक है। अगर एनथ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। देखो बच्चे, अगर ये आपका जनरल फॉर्म मिलेगी, यानी कि अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना तो आप क्या होंगे, ए फिफ्थ टर्म आपकी जो आएगी ए प्लस में फाइव माइनस वन इंटू डी, यहां पर एन क्या बच्चे आपका फाइव है, आपके लिखेंगे ए प्लस फोर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, यानी कि अगर आपने किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, क्वेश्चंस क्या बनते हैं यहाँ पर 5.2 में, क्वेश्चंस क्या बनते हैं, देखो एक तो बच्चे ये होता है कि एनथ टर्म फाइंड आउट कीजिए, है ना, चाहे वो कोई सी भी टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये कहते हैं कि बच्चे आपको एक टर्म मेंशन होती है, एक एपी आपको गिवन होती है और आपको उसमें से एक कोई भी टर्म आपको मेंशन होती है, पूछा जाता है कि वो टर्म जो है उस एपी के अंदर आती है कि नहीं है, तो आपको वहां पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, क्या करना होता है कि कौन से नंबर पर वो टर्म आएगी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एन मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चे, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा एन, यानी कि ये आपका वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं बच्चे सिंपल सी बात, नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, नेचुरल नंबर्स होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर आप किसी भी टर्म की पोजीशन की आप बात करेंगे तो आप ऐसा बोलिए ना, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे या nth प्लेस पे, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपको क्या होगा, एक आपका नेचुरल नंबर होगा, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, वन से लेकर इनफिनिटी जो भी आपका है, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही। अगर बच्चे आपकी एन की वैल्यू, यानी कि nth टर्म जो भी आपकी है, अगर आपकी जो टर्म है ये एन की वैल्यू अगर आपकी फ्रैक्शंस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो वो जो टर्म आपको मेंशन है वो आपकी
उस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था बच्चे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके बच्चे, ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो एक बात और समझ ली बच्चे, अगर आपकी जो एक एपी है, अगर आपको एक जो एपी है उसमें होती है एम टर्म्स होती है, एम टर्म्स मीन्स आप बच्चे मान लीजिए एम टर्म्स उसके अंदर है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनके एम है, क्लियर। अच्छा, अगर एक एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आपकी एम है, ठीक है, तो यानी कि जो एम एथ टर्म हो गया आपकी, एम एथ टर्म इज गिवन अप बाय ए एम इज गिवन अप बाय क्या होगा बच्चे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यस और नो? ऑब्वियसली बात है बच्चे, अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया बच्चे, अभी आपने देखा था इंट्रोड्यूस किया था जो पहले मैंने, है ना। अब वैसे ही अगर बच्चे एक एपी दे रखी उसमें एम टर्म्स है, ठीक है, एम टर्म्स, इसका मतलब जो ए एम टर्म होगी वो क्या होगी आपकी, लास्ट टर्म होगी, क्या होगी आपकी, ये लास्ट टर्म होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो जैसे मैंने कहा मेरे पास एक एपी है उसके अंदर 30 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 30 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी बच्चे, ऑब्वियसली बात है ए 30 होगी ना, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म विल बी ए 30, ठीक है, और ए 30 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 30 माइनस 1 इनटू डी दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 29 डी। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे यहां तक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पक्का? वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, अब मैंने कहा एक एपी के अंदर एम टर्म्स है तो इसका मतलब ये जो आपकी है एम एथ टर्म ये क्या आपकी लास्ट टर्म है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी आल्सो डिनोटेड बाय एल, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है, लास्ट टर्म को हम स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था बच्चे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आपका 5.2 का जो आपको समझना जरूरी था, ठीक है। अब हम बच्चे बात करेंगे एग्जांपल्स की, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं पहले, ठीक है, तो एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको इजीली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात अगर बच्चे आपको डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है बच्चे, ओके।